चैनल आई होप यू ऑल आर गुड एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट फर्दर एनी डिले। ये वाला व्लॉग इतने कोई सुबह से शुरू नहीं हो रहा है, ये हो रहा है तो मानोगे नहीं 6:36 PM हो रहे हैं अभी। लेट मी शो यू द टाइमिंग्स, इट इज 6। एक मिनट, मैंने नया वॉलपेपर लगाया है। हाँ, ये अभी हो रहे हैं हमारे 6:36। सब चीज़ देखो, दो बार टाइम दिखाना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फिर लगता है कि पीछे से बस मैंने टाइम ऐड कर दिया। ये हो रहा है 6:36 PM और अभी मैं बैठी थी एकदम नहा धो के, बस मैं पढ़ने ही जा रही थी। और उससे पहले मैंने अपना टाइम टेबल देखा, क्योंकि मुझे लगा कल स्कूल होगा, बट थैंकफुली कल छुट्टी है और हमारी 2 अक्टूबर तक छुट्टी होगी। फिर 3 अक्टूबर को हमें दोबारा स्कूल जाना है। दोबारा क्या मतलब, फिर उसके बाद स्कूल कंटिन्यू रहेंगे, फिर छुट्टी जब होना होगा तभी होगी। और इतना ही मुझे तो मैं इंट्रो में बताना था, तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टडी व्लॉग। और अभी मैं क्या करूँगी, मैंने अभी आज सच को डिसाइड नहीं किया है, और थोड़ा टाइम तो हो ही जाएगा मेरे को ना, 6:40 हो जाएंगे मुझे लग रहा है बैठते बैठते, क्योंकि मेरे को डिसाइड करना है क्या पढ़ना है। मेरे को ये रिंग लाइट ढंग से लगानी है एंड ऑल दिस थिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो लेट्स गो। और पता नहीं मैं इतनी खुश क्यों हूँ यार अभी, पर मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी। लेट्स गो। तो मैं चली तो गई थी अपनी स्टडी टेबल में, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी अरेंज्ड। तो यहाँ पे पहले मैंने स्टॉप वॉच को ढंग से लगाया, और फिर मैंने लगा दी थी स्टॉप वॉच एंड देन आई स्टार्टेड इट। और पानी की बॉटल अपने साथ रखा करो टू बी हाइड्रेटेड। और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था स्टॉप वॉच। और मैं क्या पढ़ रही थी, मैं देखो जो मैंने पुलिंग एंड ऑल नाइटर में ट्रिग्नोमेट्री करी थी ना, स्पेशली लास्ट एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन और उसके सारे पार्ट्स मैंने दोबारा करे, और कुछ पार्ट्स थे जो मैंने नहीं करे। तो यार इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि तुम्हारे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स मैंने इस वीडियो में ले रखे हैं, मतलब वैसे वाले कमेंट वाले नहीं, क्योंकि मुझे खुद से देने। जैसे कोई कह रहा है कि 15-day challenge में पार्टिसिपेट कैसे करें, लाइक कब होगा 15-day challenge और इतने तारीख से स्टार्ट करना, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड इन दिस वीडियो, तो पूरा लास्ट तक बने रहना। सो ही गाइज, आई एम बैक। और अभी तो मैंने मैथ्स पढ़ी, जैसे आपको पता होगा, वैसे बताया नहीं था मैंने, बता दूँ मैथ्स मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने पुलिंग एंड ऑल नाइटर में सब चीज़ करा था, मैंने आज दोबारा रिवाइज किया, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस हो गई। मतलब ऐसा नहीं है मैंने पूरा चैप्टर दोबारा करा, मैंने ना जैसे वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है वाली एक्सरसाइज, लास्ट वाली एक्सरसाइज और उसका 5th क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और जो उसके पार्ट्स हैं उसकी तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो वो इतने ज़्यादा पार्ट्स थे, तो वो मैंने कुछ कुछ पार्ट्स करे, ऐसा नहीं है सारे दोबारा करे। अब दोबारा बैठती हूँ मैं पढ़ने के लिए। तो मैं बैठ गई थी 8:45 PM पे पढ़ने के लिए, और अभी मैं क्या कर रही थी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रही थी मैं। अब ट्रिग्नोमेट्री मैंने मतलब रख दी थी, मेरे को लगा कि मैंने पुलिंग एंड ऑल नाइटर में भी ट्रिग्नोमेट्री करी ही है, तो लाइक वाई टू गिव सो मच टाइम टू ट्रिग्नोमेट्री ओनली, लेट्स डू समथिंग एल्स। और अभी मैं कर रही थी फिर चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1 से, मेरे को लग रहा था कि आई विल कम्प्लीट दी चैप्टर टुडे ओनली, बट आई वॉज डूइंग राइट नाउ एक्सरसाइज 1 एंड लेट्स सी कि मैं कम्प्लीट कर पाती हूँ या नहीं। तो पता है इस वीडियो को जब तुम देख रहे होगे तब तो मैं कहीं पे होंगी, और शायद तुम्हें फिर एक दिन वीडियो भी ना प्रोवाइड हो, तो तुम मुझे बता दो तुम्हें उस जगह का मिनी ब्लॉग चाहिए या नहीं। सो ही गाइज, आई एम बैक। और अभी मैं गई थी डिनर करने, जब अभी मैंने रेस्ट किया था ना, मैं डिनर करने ही गई थी, और अभी हो गए हैं 10:35 PM और ज़्यादा टाइम हो गया, आई नो दैट, क्योंकि यार पता नहीं चलता फैमिली के साथ अगर बात कर रहे होते हो तो। नाउ लेट मी टेल यू, अभी मैंने 1 घंटे में क्या पढ़ा। मैंने ना रियल नंबर्स चैप्टर है उसका पहले एक्सरसाइज तो कर ही ली है, पूरी कर ली है पहली एक्सरसाइज, और दूसरी एक्सरसाइज के अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो आई विल डू दैट। और अभी तो यार मेरा मन नहीं कर रहा है दोबारा मैथ्स करने का, क्योंकि पुलिंग एंड ऑल नाइटर में भी मैंने मतलब पूरा सुबह तक मैथ्स ही पढ़ी थी, और अभी भी मैंने आधा मैथ्स ही पढ़ी है, तो लाइक आई एम थोड़ा सा बोर फ्रॉम मैथ्स राइट नाउ। और अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स मैथ्स बहुत हो गया है यार, तो लेट्स गो। और अभी टाइम दिखाऊँ कितना हो रहा है, अब हो गए हैं 10:38। एक मिनट ना, ये देखो अभी हो रहे हैं 10:38। आई होप तुमने टाइम देख लिया होगा, बैठते हैं पढ़ने के लिए। और एक तो मेरे टैब की बैटरी 16% है, बस मेरे को चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, तो लेट्स गो। तो मैं दोबारा बैठ गई थी 10:42 PM पे, और अब मैं कोई मैथ्स नहीं पढ़ने वाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैथ्स हो गई है, जैसे मैं तुमसे पहले से कहते आ रही हूँ। तो मैंने साइंस को प्रेफर करा, फिज़िक्स कर रही थी मैं यहाँ पे, जो बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें हैं जो हमें आनी ही चाहिए, वो मैंने रिवाइज़ करना शुरू किया। और नाउ लेट मी आंसर योर ऑल दी क्वेश्चंस की व्हाट इज़ दिस 15-day challenge एंड हाउ टू टेक पार्ट इन इट। बेसिकली मैंने तुमसे पूछा था कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू ऑल वांट आगे फर्दर, कैसी वीडियो चाहिए तुम्हें, तो तुमने बोला कि चैलेंज वाली 30-day challenge। तो मेरे पास ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं 30-day करूँ, क्योंकि PT2 मेरे जल्दी ही हैं, और फिर ऐसे 20-21 ऐसा मेरे को करना नहीं था, तो आई डिसाइडेड टू डू 15-day challenge। और इसमें तुम कैसे पार्टिसिपेट करोगे
वो शायद मैं तुम्हें अपकमिंग लाइफ में बताऊँ, तो रुके रहो. एंड दिस वॉज द एंड ऑफ वीडियो, तब तक ले बाय बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.